अस्सलामुअलैकुम। रिटर्न फाइल करने के लिए आयरिस पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसका तरीका रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में मौजूद है। मेरी तो आयरिस पर रजिस्ट्रेशन हो चुकी, अब बारी है रिटर्न फाइल करने की, तो चलें अब रिटर्न फाइल करते हैं। FBR की वेबसाइट पर आयरिस में लॉगिन किया। यहाँ लेफ्ट साइड पर ऊपर डिक्लेरेशंस पर गए और सैलरी मोर देन 50% के क्लासिक व्यू वाले लिंक को क्लिक किया तो ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ मैसेज आ रहा है सिलेक्ट पीरियड, यानी किस साल की रिटर्न फाइल करनी है, तो लेफ्ट साइड पर पीरियड के बटन पर क्लिक किया और यहाँ टैक्स पीरियड में साल एंटर करके सर्च बटन को क्लिक किया और यहाँ नीचे सिलेक्ट पर क्लिक कर दिया। ये पेज ओपन हो गया। लेफ्ट साइड पर देखें तो ये टैब्स नजर आएंगे। अभी पहला टैब एम्प्लॉयमेंट का ओपन है, जिसमें सैलरी की डिटेल्स डालनी है। इस पहले खाने में अपनी साल की सैलरी एंटर कर दी। अगर इस सैलरी में से कोई अमाउंट टैक्स से एग्जेम्प्ट है, जैसे मेडिकल वगैरह, तो वो यहाँ एंटर करनी है, अगर नहीं तो छोड़ दें। कोई अलाउंसेस बेसिक पे के अलावा अलग से मिलते हैं तो यहाँ आएंगे, और रीइंबर्समेंट होती है जैसे ट्रैवलिंग की, तो वो यहाँ एंटर करनी है। कंप्लीट करके कैलकुलेट पर क्लिक कर दें। आगे है अदर सोर्सेज का टैब। रिसीप्ट्स डिडक्शंस पे क्लिक करें। यहाँ अगर बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है तो वो मेंशन करना है। इसी तरह कोई प्रॉफिट किसी अकाउंट से या सेविंग सर्टिफिकेट से आ रहा हो तो वो यहाँ। आगे है फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर का टैब। अगर बाहर से कोई कमाई आई है तो वो यहाँ एंटर करेंगे, लेकिन वो इनकम होनी चाहिए। अगर किसी ने पैसे रेमिटेंस के जरिए भेजे हैं तो वो यहाँ नहीं आएंगे। इसी तरह अगर ज़राई आमदनी हो तो वो एग्रीकल्चरल इनकम में डाल देंगे। अब आते हैं टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के टैब पर। इसमें एक टैब है टैक्स रिडक्शंस का, यानी अगर आप टीचर या रिसर्चर हैं तो आपको जो टैक्स की छूट है वो एंटर करनी है। अब आगे चलते हैं एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पूरे साल में जितना इनकम टैक्स दे चुके हैं वो फिल करना है। सैलरी में से जो टैक्स कटा उसके लिए मैं जाता हूँ सैलरी फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज में। इसी तरह जिस भी पेमेंट पर इनकम टैक्स की कटौती हुई है वो एंटर करनी है, जैसे गाड़ी के टोकन पर, तो वो एंटर करना है यहाँ प्राइवेट व्हीकल टैक्स में। प्लस के बटन को क्लिक किया, गाड़ी की डिटेल एंटर की और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो इस खाने में डालना है। ख्याल रखें कि इसमें गाड़ी का टोकन टैक्स नहीं, उसके साथ रसीद पे जितना इनकम टैक्स लिखा हुआ है वो एंटर करना है। अभी आगे भी ऐसी अमाउंट्स एंटर करनी है तो किसी भी वक्त सेव का बटन दबाकर अपनी एंट्रीज को सेव कर लें। भाई लाइट भी जा सकती है, फिर सब कुछ दोबारा ना करना पड़ जाए। फिलहाल तो मैं थक गया हूँ, ब्रेक लेते हैं और बाकी फॉर्म फिल करते हैं रिटर्न फाइलिंग वीडियो के पार्ट 2 में। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।